हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग किचन रेंडर है उसका मैं आपको किचन सीन है मेरे पास उसका, कैसे आपको रेंडरिंग करना है और कैमरा एंगल कैसे सेट करना है उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं कैमरे में गया, फिजिकल कैमरा या तो आप कोरोना कैमरा दोनों ले सकते हो, डिपेंड करता है आपको कौन सा कंफर्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये कॉर्नर से एंगल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे आना है मॉडिफायर में कैमरे के, देन यहाँ पे 35। ठीक है, अभी मैं व्यूपोर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे कैमरा प्रेस करता हूँ, फिर हैंड टूल से इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, अभी मैंने कैमरा यहाँ पे जैसे लगा दिया, अभी मुझे कैसा हाइट का भी इशू लग रहा है, जैसे यहाँ पे एच डी साइज है ये, तो आपको रेंडर सेटअप में जाना है। ठीक है, रेंडर सेटअप में आने के बाद यहाँ पे इसको क्या करना है, आपको कस्टम कर देना है। ठीक है, अभी कस्टम किया मैंने यहाँ पे, मुझे लग रहा है परफेक्ट है, 1 या तो यहाँ पे 1.2 या तो 1.6 0.7। ठीक है, 1 परफेक्ट है, तो मैं फ़िलहाल 1 रखता हूँ, इसको लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद क्या करूँगा, कैमरा जो भी है उसको हम लोग आगे पीछे करके उसको एडजस्ट करेंगे कि हमें क्या फोकस करना है। मेन इसे मैंने सिलेक्ट किया, देन टारगेट सिलेक्ट किया, टारगेट को यहाँ पे लेके आया मैं। ठीक है, अभी इसमें क्या हो रहा है कि हमारा ये फोकस तो हो रहा है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर मुझे हाइट और ऊपर चाहिए कैमरे का, तो आप या तो हैंड टूल से इसको नीचे ऐसे ले सकते हो, पैन करके आपको ऐसे पैन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पैन करके इसे रखता हूँ। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि आप फ्रंट में जाओ, यहाँ पे जाके आपको कैमरा सेलेक्ट कर लेना है। कैमरा सेलेक्ट किया, देन आप कैमरे को सेलेक्ट करने के बाद इस कैमरे को आपको ऊपर लेके जाना होगा ऐसे। मतलब अलग अलग मेथड है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है उस हिसाब से करता है। ठीक है, मैंने जैसे ये एडजस्ट कर लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना, प्रॉपर एंगल देना है कि वो दिखने में भी अच्छा लगे। तो मैं यहाँ कॉर्नर, ठीक है, ये मुझे लग रहा है 35 है, तो यहाँ पे 30 देता हूँ, तो ओवरऑल हाईलाइट होगा। आप हैंड टूल से इसको पैन करके भी देख सकते हो कि आपके एंगल में प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कमी है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ठीक है, अभी ये मेरा कैमरा यहाँ पे सेट हो गया। अभी इसके बाद मैं इसमें आपको लाइटिंग करके दिखाऊंगा कि लाइटिंग कैसे करना होता है। देन आपको मटेरियल में जाना है। मटेरियल में आने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना, जैसे हर बार मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जाके आपको लेना है कोरोना। ठीक है, कोरोना मटेरियल, देन आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है कोरोना कलर करेक्ट, बाद में इसके अंदर आपको लेना है कोरोना स्काई। ठीक है, कोरोना स्काई लिए यहाँ पे 1 रहने देता हूँ इसमें, देन यहाँ पे वाइट मुझे पॉइंट -0.2 तो -0.5 फुल वाइट वाला इफेक्ट आएगा इसमें। एंड यहाँ से मैं इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। ठीक है, ये हो गया है। देन उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हो नो एक्सपोजर कैमरा, नो एक्सपोजर कंट्रोल, या आप यहाँ पे कर सकते हो लीनियर एक्सपोजर कंट्रोल। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे अमाउंट जो इसमें आपको कम ज़्यादा कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे नो एक्सपोजर कंट्रोल रख सकते हो। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने कर लिया है। देन इस इन्वायरमेंट को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे आ गया है। उसके बाद एक हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटरेक्टिव रेंडर मार के पहले चेक कर लेंगे हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको रेंडरिंग में जाना है, देन रेंडर सेटअप, ठीक है, रेंडर सेटअप में गया सीन्स में। अभी यहाँ पे मैं इसको इंटरेक्टिव रेंडर ऑन करूँगा, स्टार्ट आईआर।
ठीक है, अभी ये इंटरव्यू एंडिंग चालू हो गया। अभी इसमें क्या सीन है कि अभी आप मेरे इस व्यू में देखेंगे, मैंने बाहर एक भी लाइट नहीं डाला है, सिर्फ स्काई का जो कोरोना स्काई होता है मैंने वही डाला है। देन अभी उसको मैं यहाँ पे एक्सपोजर फायर करता हूँ, इसे यहाँ पे 100 या तो 50, ठीक है, यहाँ पे मैं इसे करता हूँ 4, ठीक है, ये 4 किया। अभी देखेंगे पूरा ऐसे लग रहा है कि मैंने लाइट नहीं डाला, लेकिन ऐसे लग रहा है वॉश हो रहा है, तो हमें थोड़ा सा लाइट यहाँ पे कम करना पड़ेगा। अभी जैसे यहाँ पे 6500 है, तो मैं इसे यहाँ पे इसे 10,000 करता हूँ, मैं थोड़ा वार्म जैसा फील आ जाएगा। अगर आपको नहीं करना तो आप यहाँ पे और कम कर सकते हो कि आपको कैसा चाहिए, यहाँ पे या तो 5500, ठीक है, ये हो गया, हमारा ब्लैक एंड वाइट फील आएगा। देन यहाँ पे जैसे स्काई ज़्यादा बर्नआउट हो रहा है, तो हमें स्काई कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में बताता हूँ मैं। अभी ये प्रॉपर जो मेरा वाइट टेक्सचर है, वाइट दिख रहा है, तो इसमें समझ लो मैंने एक भी लाइट नहीं डाली, विदाउट लाइट भी आपका लाइटिंग हो गया यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे वॉश हो रहा है, उसके लिए आपके यहाँ पे इसको मैं 100 कर देता हूँ, यहाँ मैं 200, ठीक है। अभी उसके बाद मैं मटेरियल में आऊँगा, मटेरियल में आने के बाद जो मैंने यहाँ पे 0.5 रखा है, यहाँ पे 0.2 करता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजर जो मैंने बढ़ाया है इसे करता हूँ 3। तो अभी 3 करूँगा तो आप देख लेंगे कि लाइट कम हो गया है, ठीक है, या तो 3.5, देन यहाँ पे 6500, ये हो गया है। देन आपको यहाँ पे लट डालना, जो बेसिक आपको हर वीडियो में बताता हूँ, आपको यहाँ पे जाना है, सेंस सेलेक्ट करना है, ग्राफिटी टू यहाँ पे करना है 0.5, ठीक है। अभी आप देखेंगे प्रॉपर जो लाइटिंग होता है डे सीन का होता है, विदाउट जो सनलाइट सिर्फ आता है बाहर का स्काई का, तो उससे लाइटिंग परफेक्ट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसमें मैंने लाइट कुछ भी नहीं डाला है, मेरा सिर्फ इन्वायरमेंट के ऊपर ही है पूरा लाइटिंग किया है मैंने। सिर्फ मेरा पर्पस यही था कि इन्वायरमेंट में जो स्काई डालते हैं उससे भी हम लाइटिंग कर सकते हैं, जिससे मुझे कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर दिख रहा है, अगर कुछ लगाना है तो आप बाहर एक स्काई भी लगा सकते हो प्लेन में, जैसे हर बार मैं बताता हूँ, तो कुछ पार्ट में रिफ्लेक्शन भी पकड़ लेगा, अगर आप नहीं लगाना तो भी चल जाए, क्योंकि ये एंगल में बाहर के विंडो से मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको। अभी इसमें कौन कौन से पासेस ऐड करना है वो मैं बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ऐड किया था, उसको मैं निकाल कर फिर से बताऊँगा कैसे ऐड करना है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है, मैंने कैंसिल किया, देन एंटरिंग माना है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ ये, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड करना है डायरेक्ट लाइट, इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देन रिफ्लेक्शन, उसके बाद था आईडी, वायर कलर एंड अल्फा की ज़रूरत नहीं है, एंड ब्लूमिंग लेयर मैंने दिया ही नहीं है, ठीक है, या तो सीटेक्स, ठीक है, इतना नहीं। आईडी में जाना है आपको, सेंस सेलेक्ट करना है मटेरियल आईडी, एंड अभी इसमें आपको डालना है कोरोना एओ, यहाँ पे दिया कोरोना मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आपको डिफ्यूज में जाना है, देन सेलेक्ट करना है कोरोना एओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे देता हूँ मैं 100 mm, और इसे मैं हल्का सा ग्रे रखता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसे मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करके आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे करना है, देन अब इससे क्या होगा, एक पासिस अलग से निकलेगा जिससे आप कॉम्प में उसे डेप्थ ला सकते हो कि मुझे मतलब डेप्थ कहाँ कहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे देखो ज़्यादा बर्नआउट हो रहा है, तो आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे 3 किया, मैंने इसे 2 कर दिया, ठीक है, 1, 2.5, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बर्नआउट हो रहा है बर्नआउट नहीं होगा, तो अब ऐसे इसे कंट्रोल कर सकते हो अलग अलग। अभी जैसे मेरा कैसे भी स्काई पे लाइटिंग किया हुआ मैंने, कोरोना स्काई लाइटिंग, ठीक है, यहाँ पे जाके आपको जो ये मॉडिफायर दिया है यहाँ पे, आप यहाँ पे जाके सब चीज़ें कर सकते हो, कम ज़्यादा जो भी करना है आपको, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसे फिलहाल मैं ऑफ करता हूँ मैं, अभी मैं इसे में रेंडर लगाता हूँ मैं। उससे पहले आपको सेटिंग बता देता हूँ, यहाँ पे भी सेम सेटिंग है, कोरोना में जाना है, हाई क्वालिटी करना है, यहाँ पे 0.8, ठीक है। उसके बाद आपको सिस्टम में यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेन तो इतना ही है, ठीक है, एंड
ऑफ कर देता हूँ मैं, डायरेक्ट सेव करके लेता हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इतना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब इसमें फाइनल में लगा देता हूँ मैं, एंड थैंक यू सो मच गाइज।